दोस्तों मार्केट डिलीवरी में हम लोग देखेंगे कि 28 मई को मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं, डेली व्यू, वीकली व्यू और टेक्निकल से बहुत सारे वीडियोज है, वो देखकर आप टेक्निकल से सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि कल के लिए मार्केट कैसे रहेगा। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं निफ्टी की चार्ट से। तो यहाँ पे निफ्टी जो है कि 285 पॉइंट पॉजिटिव है और जो बैंक निफ्टी जो है कि 1270 पॉइंट पॉजिटिव है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा। उसके पहले देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और मार्केट ने कौन से लेवल्स जो है कि काटे हैं। दोस्तों एक दो चार दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, थोड़ा क्लास में बिजी था, लेकिन आज और बाद में वीकली वीडियो भी मैं आपको रेगुलर लेके आऊँगा। दोस्तों यहाँ पे देखें कि हमने जो लेवल बनाए थे, मैंने बहुत बार आपको कहा था कि जब भी 9148 के ऊपर अगर मार्केट जाता है या फिर क्लोज होता है तो मैं समझूंगा कि मार्केट एक पॉजिटिव है। थोड़ा सा हम लोग मार्केट का व्यू लेते हैं। तो जैसे कि मार्केट ने एक ब्रेकडाउन भी दिया था यहाँ पे, जो कि एक ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, लेकिन देखें कि इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ, तो इसको एक कंफर्मेशन नहीं दिया। या फिर जब तक ये जो बड़ा कैंडल रहता है जिसको हम लोग इनसाइडर कैंडल बोलते हैं, अगर उसके नीचे या ऊपर कोई ब्रेकआउट होता है तो हम लोग उसको एक कंफर्म ब्रेकआउट समझते हैं। उसके पहले भी मैंने बहुत बार आपको जो कि जो लेवल दिया था वो था 9148। ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंस था, क्योंकि यहाँ पे पहले भी देखिए कि बहुत बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था और वो जो ब्रेक होने के बाद बहुत दिन से यहाँ पे जो है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ले रहा था। तो मैंने बहुत दिन पहले आपको ऑलरेडी ये लेवल दिया है और मैंने वीकली में भी कहा था कि इसके ऊपर अगर जाता है तो हम लोग थोड़ा पॉजिटिव मार्केट को समझेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह आज मार्केट ने जो है कि ब्रेकआउट दिया है। और जैसे कि ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव थे, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव था, तो अपने मार्केट ने भी यहाँ पे अच्छा खासा रन किया। अभी यहाँ पे देखिए कि जब भी ऐसा कोई ब्रेकआउट होता है और मार्केट ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, इंपॉर्टेंस लेवल के ऊपर, ये ट्रायंगल था, जो ट्रायंगल भी जो नीचे ब्रेकआउट हुआ था फिर से ये ऊपर हुआ, तो ये ट्रायंगल को भी उसने एक फेल कर दिया और एक पॉजिटिविटी मार्केट में दिखाया। अभी ये कंटिन्यूस आगे पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है वो भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट कौन सा लेवल रहता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेवल जो था 9400, यहाँ पे मैंने जितने भी रेड में जो लेवल किए ये बहुत ही इंपॉर्टेंस लेवल है। अभी 9400 के ऊपर है मोस्टली, यहाँ तक तो जाएगा ही और इसको ब्रेक करने को देखेगा। कल जैसे कि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी डे बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, यहाँ पे हाई वॉलिटिलिटी हो सकता है। अगर 9400 के ऊपर जाके सस्टेन होता है तो यहाँ पे 9585 जो लेवल है ये नेक्स्ट वाला, ये भी इसको ये जल्दी ये कवर कर सकता है। अभी मार्केट जैसे कि एक इंपॉर्टेंस लेवल ब्रेक करके ऊपर गया जो था 9148, तो नीचे भी अगर मार्केट रिवर्स भी होता है, क्योंकि कभी क्या होता है कि जो ब्रेकआउट है वो कभी कभी फॉल्स भी होता है, तो अगर ये फॉल्स कभी होगा जब भी 9148 के नीचे ये जो भी सस्टेन करेगा तो ये भी आपको देखना है कि अगर रिवर्स होता है तो। और मैं इंट्राडे के भी लेवल कल के लिए हमको चाहिए, तो हम लोग जो निकालेंगे नज़दीक वाला जो सपोर्ट है, जो अभी सपोर्ट है वो है 9281। तो 9281 के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पे एक फिर से एक सेल ऑफ हो सकता है। कल के लिए जो दूसरा जो लेवल है नज़दीक नहीं है, तो हमको जो है कि आज का ही हाई के करीब करीब जो लेवल रहेगा वो है 9335 जो लेवल है उसके ऊपर आप कल निफ्टी बाई कर सकते हो। उसके पहले कुछ मुझे आपको जो कि इंट्राडे में भी दिखाना है कि क्या क्या मोमेंटम हुआ था। तो यहाँ पे अभी ऊपर वाला लाइन जो आपने जस्ट हम लोग डाला है, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि मार्केट में आज कैसे हुआ और पहले भी कैसे यहाँ पे मूवमेंट हुआ था। तो देखिए कि जो मैंने 9148 जो लेवल है कहा था कि ये इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे देखो कि बहुत बार यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया था, आज उसके ऊपर बराबर जो 5 मिनट का कैंडल जब भी कन्फर्म क्लोज किया तो ये कन्फर्म हुआ कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा। और मैंने कहा था कि 9148 के ऊपर जब भी जाता है तो मैं बुलिश रहूंगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर लगभग 160 पॉइंट का एक रैली अच्छी तरह हो गया। तो यहाँ पे देखें कि हमको बुलिश या बेरिश रहने से अच्छा है कि हमको इम्पोर्टेंस लेवल देखने हैं जहाँ से ब्रेकआउट होता है या फिर मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्सल करता है, वो लेवल आपको मालूम होना चाहिए, ना कि आप बुलिश ही रहो या बेरिश ही रहो तो मार्केट में आप प्रॉफिट कर सकते हो।
आप लेवल पे काम करो तो अच्छी तरह प्रॉफिट कमा सकते हो। यहाँ पे जो आपको चार्ट देके पता चल गया होगा, यहाँ पे मैंने इंट्राडे के भी लेवल आपको बताए और हमने जो दूर के लेवल भी जो इम्पोर्टेंस है, जैसे कि 9400 और अभी नीचे वाला हमको इम्पोर्टेंस लेवल है 9148 देखना है। तो ये देखिए हमको मार्केट में ट्रेड करना है। अभी ये ब्रेकआउट दिया है तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट और विद वॉल्यूम दिया है, लेकिन जैसे कि एक्सपायरी है कल, तो एक एक्सपायरी के लिए भी एक शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। तो कल का भी एक इम्पोर्टेंस लेवल रहेगा कि एक्सपायरी में क्लोजिंग कहाँ पे देती है। तो अगर एक मार्केट 9148 के ऊपर ही कल भी क्लोज होता है तो एक यहाँ पे ये सस्टेनेबल थोड़ा सा एक ये रहेगा कि मार्केट का थोड़ा एक अप ट्रेंड एक यहाँ पे शुरू हो सकता है। और 9400 के ऊपर अगर वीकली क्लोज होता है, जैसे कि फ्राइडे को भी, तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे क्लोजिंग हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट बैंक निफ्टी। तो आज मोस्टली बैंकिंग स्टॉक है, उन्होंने जो कि रैली था वो लीड किया था। तो बैंकिंग में बहुत ही अच्छा कवरिंग आया यहाँ पे। ऊपर वाले जो जितने भी लेवल थे, आपने जो था 18305, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर भी अभी मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो एक अच्छा खासा एक मोमेंटम आया, मैंने ऊपर से एक ट्रेंड लाइन डाला है तो उसका भी एक ब्रेकआउट हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा इंट्राडे में देखेंगे कि जो लेवल्स है, क्योंकि एक मेरा इम्पोर्टेंस लेवल है उसके करीबी 18705 के आसपास ही एक ही बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो कल के लिए हमको जो लेवल देखने हैं, हम लोग थोड़ा सा इंट्राडे के लेवल्स ले ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये आपको बाइंग के लिए अगर 18873 आप यहाँ पे उसके ऊपर जाता है तो बाइंग कर सकते हो। सेलिंग के लिए 18399 इन 18400 के नीचे अगर ये जाता है तो आप एक शॉर्ट शॉर्ट अप कर सकते हो दोस्तों। और हम लोग नेक्स्ट स्टॉक जो देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री नॉर्मली जो है कि मार्केट को मूव करता है, लेकिन रिलायंस में जो कि अपने रेंज के अंदर ही रहा, कुछ भी मोमेंटम नहीं किया। बैंकिंग स्टॉक ने जैसे कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने फाइनेंशियल्स, उन्होंने मार्केट को आज रन किया। यहाँ पे देखिए कि रिलायंस जो है कि एक रेंज में जा रहा है, ये आइदर साइड ब्रेकआउट देगा। जब भी ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा मूवमेंट आपको मिल जाएगा। नजदीक वाले लेवल हम लोग वही रखेंगे 1463 जो ऊपर वाला लेवल है, और जो नीचे वाला जो शॉर्ट के लिए 1402 ये लेवल, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपको इसमें जब भी मोमेंटम मिल जाएगा, जब भी इसका ब्रेकआउट होता है तभी आपको एक चांस मिल जाएगा ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो स्टॉक जिनमें कल मोमेंटम आ सकता है, तो एक ग्रासिम। तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया और ये हाई ऑफ द डे क्लोज हो गया। तो अब ग्रासिम में देख सकते हो जो कि इंट्राडे के लेवल रहेगा 571 के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे उसमें लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है बजाज फाइनेंस। यहाँ पे देखो बजाज फाइनेंस और या बजाज फाइनेंस जो बहुत दिन से जो है कि डाउन जा रहे हैं, यहाँ पे एक नीचे ब्रेकआउट भी हुआ था। कल मैं सिर्फ इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो इसमें थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। 4278 के ऊपर अगर जाता है यहाँ पे आप इंट्राडे के लिए एक ट्रेड ले सकते हो। देन जेएसडब्ल्यू स्टील। तो यहाँ पे मेटल स्टॉक भी आज अच्छा मोमेंटम किया। जेएसडब्ल्यू स्टील एक रेसिस्टेंस के यहाँ से रिवर्स हुआ था, अगर कल ये रेसिस्टेंस जो है कि 189 का अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे भी एक इंट्राडे के लिए अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है एसबीआई। तो एसबीआई के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था और उसका एक लो लेवल दिया था, वो लो लेवल टच करके आया, 150 का नीचे टच करके आया, 145 उसने ब्रेक नहीं किया। अगर 145 ब्रेक करता तो ज़्यादा डाउन साइड होता। अभी जैसे कि बैंकिंग स्टॉक अच्छा कर रहे, तो यहाँ पे एक जो लेवल है 1684, ये जो एसबीआई का लेवल है, आज उधर से टच करके फिर से रिवर्स आ गया। कल यहाँ पे अगर ब्रेक करता है तो ऊपर जो है कि आपको एक 165 के तक एक मोमेंटम मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक इंट्राडे के लिए आप एसबीआई में देख सकते हो दोस्तों। कल जैसे कि एक मंथली और वीकली दोनों भी एक्सपायरी है, तो यहाँ पे हाईली वॉलेटाइल मार्केट होने का बहुत ही संभावना है। तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा जो है कि संभल के ट्रेड करना चाहिए। तो और जो मैंने आपको स्टॉक बताए ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक या मार्केट ऐसा ही बिहेव करेगा। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और आपको ऐसे ही टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ लाइव मार्केट में, वो भी ऑनलाइन, तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप में टेक्स्ट करके और मोर इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।